सो हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट एंड इवेंट के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। हमारे गेम के अंदर जो बल्क क्रश में मैजिक मिलने वाला है, जिससे रिलेटेड बैनर निकल कर आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इवेंट गैजेट 10 जुलाई से 8 सितंबर तक गेम के अंदर रहने वाला है, टोटल 60 डेज के लिए रहने वाला है। इसमें आप लोग को एक दिन के अंदर एक मैचेस खेलने हैं, 30 डेज के लिए आप लोग को मैचेस खेलने हैं, जिसके बाद आप लोग को बल्क क्रश में एक मैजिक मिल जाने वाला है। 60 दिनों के लिए इवेंट हमारे गेम में डाला जा रहा है। तो भाई, क्या आप लोग को दो मैजिक दिया जाएगा या फिर इवेंट को कैसे कम्प्लीट करना है, जिसके बारे में आप लोग को आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पे बात करने वाले हमारे थ्रोन सिमोड से रिलेटेड आने वाले एक न्यू इवेंट के बारे में। बताया था ना आपसे को मैंने, 10 से 12 जुलाई के बीच आप लोगों को थ्रोन सिमोड से रिलेटेड इवेंट गेम के अंदर देखने मिल सकता है। और फाइनली यार इस रिलेटेड इवेंट कंफर्म हो चुका है। कल आपसे को हमारे गेम के अंदर इमोट कैप्सूल के नाम से एक न्यू इवेंट देखने मिलने वाला, जिसमें यार लिटरली क्रिएट सारे इमोट आने वाले हैं। एंड गाइस, आप सभी का फेवरेट आने वाला है इसके अंदर लोल इमोट रिटर्न में, जिसका डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। साथ ही टोटल 20 इमोट आने वाले इसके अंदर, जिसके बारे में आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कितने डायमंड लगने वाला, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ आज के वीडियो में बात करने वाले नेक्स्ट आने वाले रिंग इवेंट के बारे में, जो इंडियन सर्वे के लिए कंफर्म हो चुका। साथ ही गेम के अंदर आने वाला फिर से एक न्यू इंक्यूबेटर रिलॉन्च में, जिसके बारे में अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले आपसे छोड़ देखो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर न्यू आ रहे हो, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के सेट कर रख लीजिएगा। एंड यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपसे लोग, क्या आप लोग को 2 लाख के फैमिली स्पेशल आप लोग को Q&A वीडियो चाहिए। साथ ही काफी टाइम से गिवे भी नहीं हुआ है चैनल पे, तो यार 2 लाख स्पेशल गिवे भी मैं करने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आपका जो भी ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना। How heavy is that? Light work and the pace on the track on my feet in the back like I'm taking a slap. So finally guys, welcome back again. तो यहाँ पे बात करने वाले हैं काफी सारे आने वाले इंटरेस्टिंग अपडेट और इवेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आज के टूर्नर अपडेट के बारे में, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद काफी सारे इवेंट्स हमारे गेम के अंदर आने वाले हैं। एंड सबसे पहले टूर्नर अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो भाई, हमारे गेम के अंदर मैजिक ऑफ सिलेक्टेड कल से ही स्टार्ट होने वाला इवेंट, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल में एक मैजिक ऑफ दिया जाएगा। बट यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, क्योंकि इवेंट को काफी टाइम तक गेम के अंदर डाला जा रहा है। इस वाले इवेंट का डेट देखा तो मैं काफी ज्यादा शौक रह गया, क्योंकि यहाँ पे इवेंट का जो डेट है भाई 10 जुलाई से लेकर के आने वाले हमारे 8 सितंबर तक रहने वाला है। टोटल भाई यार समझ रहे हो, 2 मंथ के लिए इवेंट गेम के अंदर आने वाला है। और नीचे की साइड में रूल्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसके बारे में अगर बात करें तो एक मैजिक क्यूब आप लोगों को मिलने वाला है 30 डेज गेम प्ले करने के लिए। डेली आप लोग को मैचेस खेलने हैं, जिसके बाद आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री मिल जाने वाला है। अब देखो यार, ऐसा भी हो सकता है आप लोग को मैजिक क्यूब फ्रेमेंस आफ्टर मैच ड्रॉप के बाद जो आपके रिवार्ड्स के सेक्शन आते हैं, जहाँ पे आप लोग को पर डे देखने मिल जाए जब भी आप लोग मैचेस खेलने वाले हो, या फिर 2 मंथ के अंदर आप लोग कभी भी 30 दिनों के लिए मैचेस खेलने वाले हो, उसके बाद आप लोग को बिल्कुल में एक मैजिक मिल जाएगा। तो भाई टोटल यार 60 दिनों के लिए इवेंट आने वाला है। अगर 30 दिनों के लिए आप लोग मैचेस खेल लेते हो तो आप लोग को बिल्कुल में एक मैजिक मिल जाने वाला है। इवेंट काफी टाइम तक गेम के अंदर रहने वाला है। देखा जाए तो कोई हार्ड मिशन भी नहीं रहने वाला, वैसे भी आप लोग पर डे गेम प्ले करते ही हो, थोड़े टाइम के लिए एक मैचेस भी अगर आप लोग खेलने वाले हो तो यार ये जो इवेंट है कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई मैजिक ऑफ सिलेक्टेड जो इवेंट आप लोग को कल हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो इस वाले इवेंट से रिलेटेड तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। यार बात करते एक और इवेंट के बारे में, तो मैंने आप लोग को काफी पहले से बता रहा था हमारे गेम के अंदर जो न्यू आने वाला थ्रोन सिमोड जिससे रिलेटेड इवेंट आप लोग को 10 से 12 जुलाई के बीच ही देखने मिल सकता है। देखो हमारे गेम का इवेंट कंफर्म हो चुका है, इमोट कैप्सूल के नाम से इवेंट आने वाला है, एक न्यू इवेंट। कल आप लोग को मॉर्निंग के टाइम पे ये जो इवेंट है देखने मिल जाएगा। एक वेब इवेंट रहने वाला, 2D वेब इवेंट रहने वाला, जिसका इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ढेर सारे इमोट्स को ग्राफ पर एक साथ इसके अंदर रिटर्न में लाकर आप लोग को देने वाला है। यार इमोट पार्टी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो यार इमोट कैप्सूल के नाम से गेम के अंदर आने वाला है। इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है भाई लिटरली काफी खतरनाक रखा गया है, जिसके अंदर आप लोग को काफी सारे स्पिन करने पे इमोट मिलने वाला है। जिस तरह से इवेंट को डिजाइन किया गया है, काफी सारे डायमंड्स लगाने के बाद आपका जो फेवरेट न्यू थ्रोन इमोट है आप सभी को मिलने वाला। एंड हाँ, इसके अंदर आपका लोल इमोट को भी ग्राफी पर रिटर्न में ला कर दिया है। साथ ही गाइस जो भी इमोट्स आने वाले हैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, काफी सारे इमोट्स हैं जो आप लोग यहाँ पे देख ले मिलने वाला है। 6000 डायमंड तो लगने ही वाला है, क्योंकि इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है काफी खतरनाक रखा गया है। इवेंट कल हमारे गेम का देख ले मिल जाएगा। तो भाई इवेंट के लिए तो 1 लाख बनता है, क्योंकि आपका भाई आप लोग को काफी पहले बता दिया था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्रॉप के बारे में, आने वाले अपकमिंग इवेंट रिंग इवेंट के बारे में सॉरी, एंड काफी सारे और भी अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। देन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इतने सारे अपडेट्स के लिए 1 लाख तो वीडियो को बनता ही है। वीडियो को जोर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही चैनल पे गिवे भी मैं लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेम के अंदर आने वाले और भी काफी सारे अपकमिंग अपडेट्स एंड इवेंट के बारे में। अगर हमारे गेम के अंदर जल्द ही आप लोग को माइनक्राफ्ट का एक न्यू मोड देखने मिलने वाला हमारे फ्री फायर के अंदर, समझ रहे हो माइनक्राफ्ट एंड फ्री फायर का एक न्यू मोड। तो भाई आने वाले इस वाले मोड का जो कुछ इंटरफेस आप लोग आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आप लोग को इंटरफेस हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला। एक न्यू मोड आने वाला हमारे गेम के अंदर इस जुलाई के अंदर
अंदर ही ये मोड आप लोग को गेम के अंदर अवेलेबल होने वाला है, जिसके अंदर कलर से रिलेटेड भी आप लोग को इवेंट देखने मिलने वाला है। कलर कैप्सूल का आने वाला है हमारा इस प्रकार का माइनक्राफ्ट से रिलेटेड एक न्यू मोड गेम के अंदर, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। साथ से इस वाले मोड को प्ले करने के लिए आप लोग को कुछ फ्री के रिवार्ड्स भी मिल सकता है। बात करने वाले इस वाले मोड के डेट के बारे में, तो गिना फीडबैक की तरफ से अभी ऑफिशियल कुछ भी कंफर्म डेट निकल कर नहीं आया है। साथ से आप लोग को 20 से 25 जुलाई के बीच ये जो न्यू मोड है गेम के अंदर देखने मिल सकता है, क्योंकि इस वो भी अपडेट के अंदर ये न्यू मोड आने। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ स्पेशल रिंग इवेंट के बारे में, जो आप लोग को हमारे गेम के अंदर देखने मिली। देखो हर वीक ग्राफिक पर हमारे गेम के अंदर एक न्यू रिंग इवेंट लाकर दे रहा है आपसे। गेम के अंदर जो नेक्स्ट आने वाला है रिंग इवेंट, जिसके बारे में अगर बात करें तो 14 तारीख 14 जुलाई को आप लोग को हमारे गेम के अंदर एक न्यू रिंग इवेंट फिर से देखने मिलने वाला है। आने वाले नेक्स्ट रिंग इवेंट के अंदर आप लोग को एसटीआरडी स्किन से रिलेटेड आप लोग एक न्यू रिंग इवेंट देखने मिल सकता है। इसके काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वियतनाम एंड पाकिस्तान सर्वर के लिए जो रिंग इवेंट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करने वाले हमारे इन सर्वर के बारे में, सुबह कल है मंडे एंड कल ग्रैंड फ्री फायर प्ले शेड्यूल फिर से रिलीज करने वाला है। आने वाले नेक्स्ट वीक के जितने सारे इवेंट है जिससे रिलेटेड हमसे को डिटेल्स मिल जाएगा, तो भाई कल के वीडियो में मैं आप लोग को कंफर्म डिटेल्स के बारे में बता दूंगा 14 जुलाई को ये रिंग इवेंट आप लोग को गेम के अंदर देखने मिलने वाला या नहीं। वैसे अगर अभी के लिए जो रिंग इवेंट है गेम के अंदर कंफर्म है आप लोग को आने वाले नेक्स्ट 14 तारीख को 14 जुलाई को नेक्स्ट हमारे गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। और बात करने वाले इंक्वेटर में कुछ आने वाले रिटर्न फिर से आने वाले कुछ बंडल्स गन स्किन के बारे में, और देखो फिलहाल की तो 100% कोई भी इंक्वेटर से रिलेटेड कंफर्म डेट या फिर कंफर्म इवेंट निकल कर नहीं आया है। कौन से बंडल को इस बार ग्राफिक पर या फिर गन स्किन को रिटर्न में ला सकता है एंड कुछ अपडेट्स आते हैं तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा। बट यार फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स तो निकल कर आ रहे थे हमारे गोल्डन क्लॉन बंडल को लेकर निकल कर आ रहे थे, जिसके बारे में आप लोग को बताया था। साथ ही ग्राफिक पर नेक्स्ट इंक्वेटर के रिलॉन्च में आप लोग को दे सकता है इंडियन सर्वर के अंदर। जब तक यार ग्राफिक पर की तरफ से इससे रिलेटेड डेट कंफर्म नहीं होता है, मैं आप लोग को अभी फिलहाल के लिए कोई भी इस वाले इवेंट से रिलेटेड डिटेल नहीं बताना चाहता। कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए, आने वाले वीडियो के अंदर आप लोग को इससे रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल के जो भी अपडेट्स है मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके साथ ही जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, गेम के अंदर बात करते हैं हमारे आने वाले बड़ी मल्टा स्टोर के अंदर अपडेट के बारे में। देखो बड़ी मल्टा स्टोर के अंदर जो अपडेट आने वाला था, जिसके डेट को फिर से यार बढ़ाया गया है। मोड कैप्सूल का जो इवेंट कल गेम के अंदर आने वाला है, काफी सारे और भी इवेंट्स अपकमिंग आने वाले, जिस वजह से ग्राफिक पर ने हमारे आने वाले बड़ी मल्टा स्टोर के अंदर जो अपडेट है जिसके डेट को एक्सपेंड किया है। बताया जा रहा है 20 तारीख के बाद है मेरा, 20 जुलाई से 25 जुलाई के बाद ही आप लोग हमारे बड़े मल्टा स्टोर के अंदर रिवार्ड्स एड करने वाला। रिवार्ड ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जिसके अंदर 2 बंडल्स आने वाले हैं, रिनेम कार्ड आने वाले, साथ ही एक इमोट आने वाला है। ग्राफिक पर ने इस वाले इवेंट को भी डिले किया है इंडियन सर्वर के लिए। मैंने आप लोग को काफी पहले बताया था 17 जुलाई तक इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने मिल सकता है, स्टोर में ये सारे रिवार्ड्स ऐड हो सकते हैं। बट यार फिलहाल के लिए इससे डिले किया गया है, कुछ टाइम के बाद आप लोग को हमारे गेम के अंदर ये जो रिवार्ड्स ऐड देखने मिल जाएगा। आज के वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्रोप के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता चुका हूँ मिस्ट्रोप हमारे गेम के अंदर 14 जुलाई को आप लोग को देखने मिलने वाला है। अगर आप सभी लोग पूछ रहे थे हमारे गेम के अंदर आने वाले मिस्ट्रोप के अंदर क्या इवो गन्स के क्रिएट्स ऐड किए जाएंगे, तो देखो यार बाहर के जितने सारे सर्वर है जिसके अंदर जो मिस्ट्रोप ऐड किए गए थे, जिसमें यार काफी सारे क्रिएट्स को ऐड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट गन के क्रिएट्स को, साथ ही इधर हाइपरबो के टोकन भी ऐड किए गए थे। बट इंडियन सर्वर के बारे में बात करो तो 1-2 ऐसे गन है जिससे रिलेटेड आप लोग को टोकन ऐड देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए अपडेट्स नहीं है, फ्री एक्सेस आने दीजिए। कल के वीडियो में आप लोग को इससे रिलेटेड फ्री एक्सेस में दिखाने वाले इंडियन सर्वर को लेकर, क्योंकि यार फिलहाल के जो फ्री एक्सेस देख रहे हो फ्री एक्सेस नहीं है, बाहर के सर्वर का या मिस्ट्रोप रहने वाला है, जिसके अंदर सारे रिवार्ड्स आप लोग को देखने मिल रहे हैं। इंडियन सर्वर के अंदर आने वाले रिवार्ड चेंजेस रहने वाले, बंडल सेम रहने वाला, बट आने वाले रिवार्ड में आप लोग को चेंजेस देखने मिलने वाला है। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो आपका दिल चाहे कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग न्यू आ रहे हो चैनल पे, जोर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका फिर पड़े आपके ऐसे फिर पास रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। साथ ही अगर 2 लाख फैमिली स्पेशल आप लोग को जल्दी इस चैनल पर गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो जितने सारे न्यू लोग आ रहे हो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।